and then we have started something. Good morning, friends. As I have been discussing with you, we have finished the groundwater exploration. Now we will be discussing about the open wells and then understanding certain parameters of the open well. We will move into the well hydraulics. Certain tests are there, the safe yield test and the recuperation test that we will see today. Some numerical, simple numericals on that. And then the last part, that is the well hydraulics. Actually, slowly we are entering into the well hydraulics. Open wells, as you all know, they have some large diameter of 3 to 4 meters, sometimes 1 meter, 2 meter diameter wells are also there. And they are excavated, or they are deep, or they are excavated below the groundwater table, so that water will be available in sufficient quantity into those wells. Either from the open wells or from the bore well, that is either from the unconfined aquifer or from the confined aquifer, we pump out or we take out the water for our various purposes, for our uses, like the agriculture use, maybe like the drinking water, or maybe any type of the use. So the quantity of water that has been taken out from the groundwater basin or the groundwater reservoir, that is the aquifer, through the open well or through the bore well, without creating any undesirable effect, undesirable problem, non-required problem to that aquifer, is called as the safe yield. Okay, so safe yield is nothing but taking out the groundwater from the groundwater reservoir, that is the aquifers. That quantity of water taken out from that aquifer, but without producing any undesirable effect, is called as the safe yield. अनडिजायरेबल इफेक्ट दो टाइप की है, वो जो हम देखने वाले हैं। अनडिजायरेबल इफेक्ट स्पेसिफिकली नॉट एक्सपेक्टेड व्हाइल टेकिंग आउट द वाटर फ्रॉम द एक्वीफर। द फर्स्ट इज contrary, we should take out lesser quantity than the rechargeable quantity. वो एक्वीफर में से उतना ही पानी निकाली है जो रिचार्ज जो एक्वीफर हर साल होता है बरसात के पानी के कारण ड्यू टू द प्रेसिपिटेशन एंड द इनफिल्ट्रेशन द क्वांट पानी जितना निकालेंगे वह रिचार्ज जितना होने वाला है उससे हमारा कम ही रहना चाहिए। ये एक हो गया जिसको हम अनडिजायरेबल इफेक्ट में बोलते हैं, है ना। क्या है कि वी शुड ऑलवेज थिंक फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस, फॉर द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ दैट विड्रॉल ऑफ वाटर। एंड द सेकंड इज whenever we take out the water from either the open well or from the bore well, but specifically for the open well, पानी जब हम निकालते हैं उसमें से तो क्या होता है कि वो well में जो भी ग्राउंड वाटर टेबल है या जो भी वाटर अवेलेबिलिटी मीडियम है बिलो द ग्राउंड,
दैट वॉटर ट्राइज टू कम इनसाइड द वेल विथ सर्टन फोर्स विथ सर्टन प्रेशर बिकॉज द वॉटर हैज बीन टेकन आउट फ्रॉम द वेल सो सम निगेटिव प्रेशर और सम सक्शन इज बींग क्रिएटेड इन टू द वेल देयर फॉर द वॉटर फ्रॉम द ग्राउंड वॉटर रिजर्वायर विल फोर्स टू कम इन साइड द वेल एंड वेन इट फोर्सेस टू कम इन साइड द वेल जब वो पानी जोरों से वो वेल में आने का ट्राई करता है तो वो अपने साथ में वो नीचे की जो भी सॉइल पार्टिकल है वो सॉइल पार्टिकल को भी जोर से अंदर में वो वेल में लाता है खींचता है अपने साथ में और उसके कारण नीचे में कैविटीज वगैरह क्रिएट होती है एडजेसेंट टू दैट एक्वीफर वो कुएं में वो वेल में नीचे में क्रैक कैविटी क्रिएट हो जाती है और उसके कारण समटाइम्स वो वेल कोलैप्स हो सकती है नुकसान हो सकता है ये दो तीन अनडिजायरेबल इफेक्ट तो इसलिए हमें उस सेफ फील्ड उसी को बोलना है कि भाई हमने उसमें से उतना ही पानी निकालेंगे ग्राउंड वाटर रिजर्वायर से ग्राउंड वाटर बेसिन से ताकि देयर शुड नॉट बी एनी सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑन दैट एक्वीफर ऑन दैट वेल ऑन दैट बोरवेल बट वी बीइंग द ह्यूमन है ना हमें इतना सिखाने के बाद पढ़ाने के बाद भी हमारी तृष्णा हमारी भूख कभी कम नहीं होती हम ज्यादा ही पानी निकालते हैं सब समझता है हमें फिर भी वी बिहेव इन द एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन हमें बोला जाता है कि भाई आप ये मत कीजिए सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ वो पैकेट के ऊपर लिखा रहता है फोटो है हमको सबको मालूम है कि उसके कारण लंग्स खराब होते हैं टीबी हो सकता है अस्थमा फिर भी सिगरेट स्मोकिंग करते ही है वैसे ही हमें मालूम है कि भाई ये ज्यादा का पानी निकालना एक्वीफर से या ग्राउंड वाटर से ये बुरा है फिर भी हम निकालते हैं है ना मैंने बताया काटोल नरखेड़ सावनेर ये जो तालु इन दिस तालुकास ड्यू टू द ऑरेंज ऑर्चार्ड संतरे के जो बगीचे है उसको पानी देने के लिए जो जो पानी निकालते चले गए तो ग्राउंड वाटर टेबल बहुत नीचे चले गया यानी अनएक्सपेक्टेडली 5-10 ही मीटर नहीं गया 50-50 मीटर नीचे चले गया देयरफॉर द विथड्रॉल इन एक्सेस ऑफ द सेफ यील्ड इज कॉल्ड एज द ओवरड्राफ्ट सेफ यील्ड से ज्यादा यदि पानी हम निकालते हैं तो उसे ओवरड्राफ्ट करके बोलते हैं ठीक है In many cases, the safe yield is also the amount of water that enters the groundwater basin every year. है ना? अभी मैंने जो बताया कि safe yield याने क्या? Is that much quantity of water or that much quantity of water that can be taken out from the aquifer, which will be recharged due to the precipitation, due to the rainfall every year, हर साल. The safe yield may be less than the average annual recharge to the basin. Due to the factors that include the economics, water quality and water rights. Safe yield ये annual recharge से भी कम रहना चाहिए बोलते The safe yield may be or should be less than the average annual recharge to the basin or to the aquifer. Why? Due to many factors that include economics. है ना कभी pumping के लिए खर्चा आता है ज्यादा पानी निकाल लिया सक्शन कर लिया तो एक आधे बार वो जो सक्शन से पानी अंदर आता है वो अपने साथ में कुछ केमिकल्स भी लाता है तो क्वालिटी ऑफ द वाटर आल्सो गेट्स डैमेज्ड ये देखो बोला ये आया है और शेयरिंग चालू हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम अभी मैं किसको ही लेट को अलाउड नहीं करूंगा सो दी सेफ यील्ड ये जो है हरदम जितना रिचार्ज होता है हर साल उससे कम ही रहना चाहिए क्योंकि उसमें इकोनॉमिक्स है खर्चा आता है पंपिंग करने के लिए जितना जितना पंप
क्योंकि पानी निकालेंगे तो ग्राउंड वाटर टेबल या पिजोमेट्रिक हेड ये दोनों नीचे जाएंगे, और नीचे जाएंगे तो आपको और नीचे खोदना पड़ेगा, कुआं खोदना पड़ेगा या बोरवेल खोदना पड़ेगा, है ना? आपने सुना होगा, आपके एरिया में जरूर होता होगा, ये प्रैक्टिकली हम देखते ही है। हर साल वो कुएं को क्लीनिंग करना पड़ता है, खोदना पड़ता है, उसको हॉरिजॉन्टल बोर भी लगाते हैं। आपके घर में खेती होगी तो देखिए आपके घर में कुआ होगा, तो वो बोर इसलिए करते हैं, आपने वर्ड आपके कानों में आया होगा कि भाई ओपन वेल है लेकिन उसमें भी बोर किया। क्यों बोर किया? क्योंकि वो बोर फिर से वो कन्फाइंड एक्वीफर तक जाना चाहिए और वो बोर में से पानी आना चाहिए ऊपर में और वेल भर जाना चाहिए, है ना? मैंने बताया, हम सोचते ही नहीं कि हमारे ये करने से नुकसान क्या होगा, कि हम कहीं तो भी पानी की मात्रा कम कर रहे हैं, वहां क्वांटिटी कम कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स आता है उसमें, वाटर क्वालिटी इफेक्ट होती है। और बहुत बार ग्राउंड वाटर जो अवेलेबिलिटी है उसके ऊपर कुछ कुछ एरिया के हक रहते हैं, राइट्स रहते हैं, तो देयरफॉर वो भी उनके इफेक्ट होते हैं कायदे से। सो व्हाट विल अफेक्ट, व्हाट विल हैपन ड्यू टू द हायर ड्राफ्ट्स, है ना? सेफ यील्ड से ज्यादा जो है उसको हमने बोला है कि भी ड्राफ्ट। सो ज्यादा पानी निकालने से क्या नुकसान होगा, विच इज मोर देन द सेफ यील्ड आर नॉन डिजायरेबल एज इट मे लोअर द वाटर टेबल रिजल्टिंग इन टू इंक्रीज पंपिंग कॉस्ट, इट्स नॉन इकोनॉमिक, इट अफेक्ट द क्वालिटी, लीगल प्रॉब्लम्स बाय पंपेज फ्रॉम द ग्राउंड वाटर बेसिन, therefore it is safe yield is controlled by annual recharge, average annual recharge to the basin. Now to we will learn something about the open well. आपके स्क्रीन के ऊपर में राइट साइड में नीचे में आपको वो फोटोग्राफ दिख रहा होगा, एक कुआ बताया है मैंने, उसको ही ओपन वेल करके बोलते हैं। इट इज ए लार्ज डायमीटर वेल, है ना? डग डाउन, डग यानी एक्सकवेट करना, खोदना। लार्ज डायमीटर वेल डग डाउन टू द वाटर बेरिंग स्ट्राटा आर नोन एज ओपन वेल्स। एग्जाम में आता है बोल, आप ये जो जो भी चीजें है ये अच्छे से ध्यान में रखिए, आप नोट कर सकते हो तो कीजिए, आपके नोट्स में भी है, लेकिन जनरली मेरे स्लाइड्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट ही रहते हैं, उतने भी आपने ध्यान में रखा तो यू कैन इलेबोरेट इन योर एग्जाम। सो व्हाट आर ओपन वेल्स? दे आर द लार्ज डायमीटर वेल्स डग डाउन टू द वाटर बेरिंग स्ट्राटा, यानी वाटर बेरिंग स्ट्राटा यानी ग्राउंड वाटर टेबल, पानी जहां पे है वहां तक ये कुआ खोदना, एक्सकवेट करना, लेकिन लार्ज डायमीटर वेल है इसलिए तो बोर वेल से अलग है, लार्ज डायमीटर वेल इज कॉल्ड एज द ओपन वेल, ठीक है? जनरली ये हमारा जो ओपन वेल रहता है ये अनकन्फाइंड एक्वीफर में ही रहता है, क्योंकि कन्फाइंड एक्वीफर बहुत डीप में रहते हैं। कन्फाइंड एक्वीफर के लिए दो इम्परमिएबल स्ट्राटा के बीच में वो एक्वीफर रहता है, लेकिन एखादे बार ऐसा हो सकता है कि भाई कन्फाइंड एक्वीफर अपर लेवल में हो तो वो कुएं को फिर 12 महीने पानी रहता है, फिर आप हरदम बोलते हो कि या विहिरीच पानी 24 तास पंपिंग केलं तरी तुटत नाही, तो असं समजाच का, एक तर ग्राउंड वॉटर टेबल चांगला आहे नाही तर मग याले बोर वे याले कन्फाइंड एक्विफर मध्ये ही विहीर घुसली। सो देअरफॉर दिस ओपन वेल डिराइव द वॉटर फ्रॉम द फॉर्मेशन क्लोज टू द ग्राउंड सर्फेस, है ना? डेप्थ कम रहती है इसलिए ग्राउंड सर्फेस को लग के जो वॉटर फॉर्मेशन है, यानी फिर से हमारा अनकन्फाइंड एक्विफर। Thus, open wells are always shallow with depths not exceeding 10 to 20 meter. ये भी बहुत ज्यादा हो गया, 10 या 20 मीटर से ज्यादा, यानी लग 20 मीटर यानी लगभग 60 फीट, 60 फीट, 3 टाइम्स ऑफ द मीटर इज 1 मीटर इज इक्वल टू 3 फीट, है ना? हम जनरली फीट में ख्याल में रखते हैं कुआ की वीर कितनी खोल है, तो 10 ते 20 मीटर पेक्षा जास्त ओपन वेल जनरली नसते, पण असू ही शकते, अशक्य नाही। सो द डेप्थ इज 10 टू 20 मीटर्स ऍट द मोस्ट। लार्ज साइज ऑफ द ओपन वेल्स अलाउज द स्टोरेज ऑफ द लार्ज क्वांटिटी ऑफ वॉटर इन टू द वेल।
बड़ी वी बड़ा कुआ रहा, बड़ा डायमीटर रहा, ज्यादा डेप्थ रही, तो नेचुरली उसमें पानी जमा करने की क्षमता हरदम ज्यादा रहती है। और ये वेल क्यू के सॉइल में जाती है, माटी में जाती है, माटी में एक्सकवेट करते हैं, फिर उसके नीचे हो सकता है कि हार्ड मुरुम, सॉफ्ट स्ट्राटा, सॉफ्ट रॉक करके बोलते हैं, और बाद में फिर हार्ड रॉक लगता है एक आधे बार यदि अच्छा स्ट्राटा रहा नीचे में। तो ऐसे स्ट्राटा में जनरली जाता है, ऊपर में सॉइल रहती है, उसके नीचे हार्ड मुरुम रहता है, एक आधे बार उसके नीचे सॉफ्ट रॉक रहता है, जो हार्ड रॉक हार्ड मुरुम जैसा ही रहता है, जो पानी और वेदरिंग से डिसइंटीग्रेट हो सकता है, और उसके नीचे फिर एक आधे बार काला पत्थर जिसको बोलते हैं, ऐसा हार्ड रॉक जो डिटीरियरेशन नहीं होता, जिसका वेदरिंग नहीं होता। तो इसके कारण ये वेल पानी इसमें स्टोर करते हैं, तो ये स्ट्राटा के कारण ये वेल अंदर कोलैप्स ना हो, और एक परमानेंट हमारे पास में स्ट्रक्चर रहना चाहिए वाटर स्टोरेज के लिए, एक आधे टैंक जैसा। तो इसलिए द साइड वॉल्स ऑफ द ओपन वेल आर यूजुअली लाइंड, लाइंड यानी कंस्ट्रक्टेड अंदर से, द साइड वॉल्स ऑफ द ओपन वेल्स आर यूजुअली लाइंड विद ब्रिक, स्टोन मैसनरी और कॉन्क्रीट, एंड द वॉटर फाइंड्स एंट्री इन टू द वेल फ्रॉम द बॉटम। ये वेल का जो बॉटम है वहां से पानी इसमें आता है, विथ नो विड्रॉल बाय पंप्स। यदि ये वेल में से हमने पानी निकाला नहीं पंप में से, तो ये वेल में एक पानी की लेवल परमानेंट रहेगी, वो लेवल कम ज्यादा होगी, बरसात में ऊपर आएगी, धूप काले में नीचे जाएगी। तो ये जो पानी की लेवल है, इफ द वॉटर इज नॉट टेकन आउट फ्रॉम द वेल, तो ये वॉटर लेवल जनरली वहां की ग्राउंड वाटर टेबल बताता है, यानी वो वेल के आजू बाजू की जो ग्राउंड वाटर टेबल है, दैट ग्राउंड वाटर टेबल इज इंडिकेटेड इन टू द वॉटर लेवल और वॉटर सर्फेस इन टू द वेल इफ द वॉटर इज नॉट पम्प्ड आउट। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दो दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स टू अंडरस्टैंड, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द नेक्स्ट कंसेप्ट। सो डू वी एक्सकवेट द वेल, कुआ हम सिर्फ खोद के रख थोड़ी रख देते हैं कि बस मस्त इसका वाटर टेबल देखते रहे हम, ऊपर होता है कि नीचे होता है, हम तो कुआ पानी वापरने के लिए खोदते हैं, एक्सकवेट करते हैं, तो इसलिए पंपिंग करते हैं। एक तो पंप से पानी निकालते हैं, पुराने जमाने में हम वो बकेट से निकालते थे, और बहुत सारे सिस्टम थे हमारे पास, हमारे भारत में कोई आज ही वेल है ऐसा नहीं, हजारों सालों से वेल है। आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो आप नेट पे देख सकते कि जहां जहां वाटर स्केयर सिटी है, जहां जहां पानी की टंचाई है, जैसे कि राजस्थान है, जैसे कि गुजरात है, तो वहां पे आपको बहुत बड़े बड़े वेल दिखेंगे, मिलेंगे, है ना। हमारे महाराष्ट्र में भी है, मराठी में उसको पुराने जो वेल्स है, ओपन वेल्स, दे आर कॉल्ड एज द बाव, बाव करके बोलते हैं उसको, बाव। और उधर तो आपको मालूम है, शायद आपने व्हाट्सएप पे वगैरह देखा होगा, बहुत सारे वेल्स जो है राजस्थान में है, गुजरात में है, बहुत बड़ी बड़ी वेल्स, उसको आइदर विद द हेल्प ऑफ द ब्रिक्स और द स्टोन दे आर कंस्ट्रक्टेड। तो उस समय हमारे पास में पंप नहीं थे, लेकिन हम पानी निकालते थे, हमारे पास में और बहुत सारी सिस्टम थी, वी वर टेकन आउट द वाटर फ्रॉम द वेल, बट nowadays the technology is there, therefore we use the pump. So during pumping the water is being taken out from the well, and as the water is being taken out from the well by the pumps, by the motors, by the electric motors, by the diesel motor, maybe by the petrol motors, the water level in the well is depressed. ये well में की पानी की level ये नीचे जाती है, लेकिन ग्राउंड वाटर टेबल नीचे नहीं जाता, ग्राउंड वाटर टेबल तो वैसे मेंटेन्ड ही रहता है, लेकिन वेल में का पानी नीचे में जाता है, लगे तो ग्राउंड वाटर टेबल उसको फिर से भरने का ट्राई करता है, भरता ही है, लेकिन वेल में का पानी नीचे जाता है, लेकिन ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो मेंटेन्ड जनरली रहता है। यदि
ओवरड्राफ्ट है, इफ वी आर टेकन आउट द टेकिंग आउट द वाटर मोर देन द सेफ यील्ड, तो फिर ओवरऑल ग्राउंड वाटर टेबल नीचे जाएगा. बट इफ वी आर इन टू द सेफ यील्ड एंड नॉट इन टू द ओवरड्राफ्ट, देन वी कैन से दैट द वाटर इन द वेल ओनली डिप्रेस एंड नॉट द ग्राउंड वाटर टेबल. सो द डिफरेंस बिटवीन द ग्राउंड वाटर टेबल और द वाटर टेबल लेवल एंड द वाटर लेवल इन टू द वेल, दैट इज द डिप्रेस्ड वाटर लेवल, इज नोन एज द डिप्रेशन हेड. ठीक है, ये सब आप समझने के लिए मैंने थोड़ा पहले का आपको दो बातें बताया. तो पानी वेल में से पंप करने के बाद में वो वेल में का पानी नीचे जाता है, लेकिन ग्राउंड वाटर टेबल नहीं जाता नीचे. तो ग्राउंड वाटर टेबल और वेल का वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर टेबल एंड द वाटर लेवल इन टू द वेल, ये जो डिफरेंस है दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज द डिप्रेशन हेड. And there is certain, after various observations and based on again the Darcy's law, it has been found that the rate of the flow into the well, rate of the water flow into the well from the aquifers is proportional to the depression head. Depression head अभी आपके ध्यान में आ गया है. तो वो जो वेल है वो वेल में पानी आने का प्रवाह, पानी आने की वेलोसिटी बोलेंगे या डिस्चार्ज क्वांटिटी. सो द रेट ऑफ फ्लो इनटू द वेल इज प्रोपोर्शनल टू द डिप्रेशन हेड. इफ स्मॉल एच इज डिनोटेड बाय द डिप्रेशन हेड, देन द रेट ऑफ फ्लो क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एच, और क्यू इज इक्वल टू के इंटू एच. वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन. Rate of flow into the well is directly proportional to the depression head, and if we equate both these, it is multiplied by the constant K. So Q is the rate of flow into the well, H is the depression head, and K is the constant reflecting the characteristic of the formation surrounding the well. है ना, जिसको percolation constant वगैरह हमने पहले बोला है, परमिएबिलिटी कांस्टेंट, परकुलेशन कांस्टेंट. तो ये काय के ऊपर डिपेंड है कि वो वेल के आजू बाजू में कैसा स्ट्राटा है, कैसा फॉर्मेशन है, उसके ऊपर डिपेंड है. इफ द डिप्रेशन हेड इज लार्ज, मे कॉज द डिसलॉजिंग ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स ड्यू टू हाई वेलोसिटीज अकंपनिंग इट. ये मैंने जो आपको पहले बताया था, अनडिजायरेबल इफेक्ट. इफ दिस डिप्रेशन हेड इज लार्ज, यानी बहुत ज्यादा पानी हमने निकाल लिया कुएं में से, द ग्राउंड वाटर टेबल और द लेवल इन टू द वेल, डिफरेंस बिटवीन दिस टू इज लार्ज, वॉट विल हैपन देन? देन द वॉटर फ्रॉम द ग्राउंड, तो उसके लार्ज है यानी क्या हो गया कि कुएं में का पानी हमने निकाल लिया, तो नेचुरली कुएं में प्रेशर कम हो गया. The pressure into the well has become atmospheric pressure, and the pressure below the groundwater table is the water pressure. It is more than atmospheric pressure. So the water from the groundwater table or below groundwater table will force itself to come from larger pressure to the lesser pressure into the well. And while it comes, it will force itself to enter into the well to reduce the pressure difference and indirectly to fill the well with the water. It will take along with it the soil particles into the formation or from the formation into the well. और यदि ये पानी का फोर्स ज्यादा रहा, वाटर के कोई सॉइल पार्टिकल के कोइजन और फ्रिक्शन से ज्यादा रहा, बिकॉज द वाटर एक्ट्स एज ए ल्यूब्रिकेंट आल्सो, तो उसके कारण डिसलॉजिंग ऑफ द सॉइल पार्टिकल विल टेक प्लेस. डिसलॉजिंग यानी सॉइल पार्टिकल वो अपनी जगह छोड़ देंगे और वो वेल में आएंगे, कुएं में आएंगे. अब इसके कारण क्या होगा
कि वो कुएं का जो, क्योंकि पानी तो नीचे के पोर्शन से आता है, अभी हमने देखा कुएं का सबसे नीचे का जो है, तो वहां के यदि सॉइल पार्टिकल यदि अपनी जगह छोड़ के अंदर कुएं में आना चालू हो गए, वेल में आना चालू हो गए, तो वहां पे कैविटी फॉर्म होगी। अब वो कैविटी के ऊपर में क्या है कि वो पूरी हमारी एक तो मैसनरी है, ब्रिक मैसनरी है, रॉक मैसनरी है, और मे बी कॉन्क्रीट है, वो कैविटी के ऊपर में। तो वो और मैसनरी के नीचे यदि कैविटी हो गई तो वो पूरा ब्रिक मैसनरी वगैरह जो है वो नीचे घसरेगी, नीचे जाएगी, और उसके कारण क्या होगा, आपने बहुत सा एक आधे बार व्हाट्सएप में देखा भी होगा, कोलैप्सिंग ऑफ द वेल। वो कुआ अंदर में है ना, ऊपर के यदि मैसनरी नीचे चली गई तो नेचुरली ऊपर के पोर्शन को कोई सपोर्ट नहीं रहेगा सॉइल को, और स्लोली दैट वेल विल कोलैप्स इनसाइड। सच एक्सीडेंट्स हैज टेकन प्लेस स्पेसिफिकली इनटू द रेनी सीजन, क्योंकि दोनों चीजें होती है कि ये डिप्रेशन हेड के कारण डिसलॉजिंग ऑफ द पार्टिकल होता है, और वो वेल का जो लाइनिंग रहता है जो मैंने बताया कंक्रीट का, मैसनरी का, या यूसीआर का अनकोर्स रबर मैसनरी या कोर्स रबर मैसनरी, उसके बाजू का पानी पूरा सैचुरेट हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है पानी उसके बाजू का, सॉइल इट गेट्स सैचुरेटेड, नो ल्यूब्रिकेशन इज देयर, नो कोहिजन इज देयर, एंड देयर फोर स्लोली इट विल फोर्स टू कम इनसाइड एंड द डिसलॉजिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल टेक्स प्लेस एंड द वेल कोलैप्सेस इनसाइड। यू मस्ट हैव सीन 100% समवेयर ऑन योर व्हाट्सएप समटाइम्स। सो दिस इज द सेकंड अनडिजायरेबल इफेक्ट ड्यू टू ओवरड्राफ्ट और वाटर टेकिंग आउट मोर देन द सेफ यील्ड। सेफ यील्ड से ज्यादा यदि पानी निकाला, जिसको ओवरड्राफ्ट करके बोलते हैं, तो उसके कारण ये दूसरा धोखा हो सकता है। एक तो ग्राउंड वाटर टेबल तो नीचे जाएगी, पहला धोखा, और दूसरा क्या है, ये कुआ कोलैप्स होगा। सो देयरफॉर दिस डिप्रेशन हेड एट विच दिस हैपेंस इज नोन एज द क्रिटिकल डिप्रेशन हेड। ओके, डिप्रेशन हेड हमने समझ लिया, और पानी निकालते व्हाइल वी आर टेकिंग आउट द वाटर फ्रॉम द वेल बाय द विद द हेल्प ऑफ द पंप्स, दिस विल क्रिएट नॉट ओनली द लोअरिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर टेबल बट विल ऑल्सो मेक द सॉइल पार्टिकल इन साइड द वेल टू डिसलॉज इट सेल्फ एंड मेक्स द ग्रेविटी कैविटी मे अल्टीमेटली रिजल्ट इन टू द फेल्यूर ऑफ द वेल। सो द हेड एट विच दिस ऑकर्स इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल डिप्रेशन हेड, एंड द क्वांटिटी ऑफ द वॉटर और द यील्ड ऑफ द वेल करस्पॉन्डिंग टू द क्रिटिकल डिप्रेशन हेड इज नोन एज द मैक्सिमम यील्ड और द क्रिटिकल यील्ड। ओके, सो वी हैव सीन वॉट इज सेफ यील्ड, वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड द डिप्रेशन हेड, ओके, वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड द क्रिटिकल डिप्रेशन हेड एंड द क्वांटिटी ऑफ द वॉटर दैट हैज बीन टेकन आउट और यील्ड ऑफ द वेल करस्पॉन्डिंग टू द क्रिटिकल डिप्रेशन हेड इज कॉल्ड एज द मैक्सिमम यील्ड और द क्रिटिकल यील्ड। ओके, सो दिस टू थ्री थिंग्स वी ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाउ अगेन वी विल मूव ऑन टू द सेफ यील्ड और द सेफ, वॉट इज सेफ यील्ड। सो नॉर्मली द सेफ डिप्रेशन हेड ऑल्सो नोन एज द वर्किंग हेड, यानी जो हेड तक के सिर्फ हमने पानी निकालना चाहिए कुएं में से, क्योंकि उससे ज्यादा निकाला तो फिर वो डिसलॉज हो सकता है, कुआ फेल हो सकता है अंदर में, और एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो ऐसा डिप्रेशन हेड जिसको हम सेफ डिप्रेशन हेड करके बोलेंगे, या उसको वर्किंग हेड भी बोलते हैं, इज टेकन टू बी 1/3 ऑफ द क्रिटिकल डिप्रेशन हेड। यानी क्रिटिकल डिप्रेशन हेड जो है उसके 1/3 जितना हेड रहेगा डिप्रेशन हेड, उसको सेफ डिप्रेशन हेड या वर्किंग हेड करके, वर्किंग यानी जहां तक के हमने पानी निकालना चाहिए वर्किंग, वहां तक उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए हम,
एंड द यील्ड करस्पॉन्डिंग टू द वर्किंग हेड और द सेफ डिप्रेशन हेड इज नोन एज द मैक्सिमम सेफ यील्ड, है ना। हमने शुरू में सेफ यील्ड की कंसेप्ट पढ़ा, बाद में डिप्रेशन हेड पढ़ा, फिर क्रिटिकल डिप्रेशन हेड पढ़ा, फिर क्रिटिकल यील्ड के बारे में हमने समझ लिया, मैक्सिमम यील्ड और द क्रिटिकल यील्ड। उसके बाद में सेफ डिप्रेशन हेड विच इज 1/3 ऑफ द क्रिटिकल डिप्रेशन हेड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वर्किंग हेड, एंड द क्वांटिटी ऑफ वॉटर और द यील्ड दैट हैज बीन टेकन आउट फ्रॉम द वेल एट दिस वर्किंग हेड बाय मेंटेनिंग द वर्किंग हेड और द सेफ डिप्रेशन हेड इज कॉल्ड एज द मैक्सिमम सेफ यील्ड। Okay, we have seen for the working head, we have used the symbol small h, hai na, wo jo q is equal to, humne formula dekha tha k into h, k is the constant, maybe you may call it as a permeability constant, into the head, that is the depression head. But now we have given capital H as the symbol for the working head. Okay, safe depression head or the working head. So we can write down the formula for the safe yield. The discharge is equal to Q is equal to K into H. K is again that percolation or the permeability constant. H is the working head or the safe depression head. This equation we can write down in this way also. Q is equal to this K divided by A. क्योंकि हमने डिवाइड किया है ए से, ए इज द एरिया ऑफ द वेल, के डिवाइडेड बाय ए, तो हमको ए से मल्टीप्लाई भी करना है क्योंकि ए ए कैंसल होंगे, तो फिर से हम के एच पे आएंगे, क्यू इज इक्वल टू के इनटू एच, आवर ओरिजिनल फॉर्मूला, बट वी कैन राइट डाउन के अपॉन ए इनटू एच। फॉर दिस के अपॉन ए there is again one constant called as the C, because somewhere for some well hydraulics or for finding the quantity of water with that will enter into the well, etc., we need the help of certain values. This C, which is K upon A, so Q is equal to C into A into H. H is the working head, A is the cross sectional area of the flow of water into the well at the base, and C is equal to K upon A, K is the percolation constant, A is the cross sectional area, as I have told you, is known as the specific yield or the specific capacity of an open well. Again, a new term we understood. C is equal to K upon A, which is known as the specific yield or the specific capacity of an open well. It has the dimension T raised to minus 1. And a T and a time raised to minus 1. That is hours mein honga tha, hours raised to minus 1, days mein honga tha, day raised to minus 1, or 1 upon hour, 1 upon day. So A is the cross-sectional area of the flow into the well at its base. And it is generally 4/3 times the plan area of the well. Well ka diameter upar mein jaise circular rehti hai, rectangular hai, jaise bhi hai, to uska jo plan area hai, uske 4/3 times yadi humne liya, to wo generally cross sectional of the flow into the well at its base lete hai. Ye kyu lete hai 4/3 times plan area of the well? क्योंकि पूरा के पूरा प्लान एरिया से वेल में पानी नहीं आता, जैसे मैंने बताया, ड्यू टू कैविटी फॉर्मेशन एट द बॉटम, बॉटम में कैविटी फॉर्म होती है, तो उसके कारण वी इंक्रीज द एरिया ऑफ द वेल बाय मल्टीप्लाइंग द 4/3, 4/3 टाइम्स द प्लान एरिया ऑफ द वेल, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो क्यू इज इक्वल टू सी एच, दिस इज equation can be used to estimate the safe yield. Okay, this equation, this Q is equal to C into A into H. C is the specific yield, A is cross-sectional area at the base, H is the working head. Therefore, the safe yield is equal to, can be found out with the help of this formula. For
नोइंग द सेफील्ड वी शुड नो द वर्किंग हेड, एच वी शुड नो द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वेल दैट इज द साइज एंड द स्पेसिफिक यील्ड ऑफ द वेल. इफ थ्री थिंग्स आर नोन देन वी कैन फाइंड आउट द डिस्चार्ज और द सेफ यील्ड. Why we need to find out the safe yield? Again, we should take out that much quantity of water from the well so that there should not be any problem to the well in future, also to the groundwater table as well as from the safety point of view of the well also. And a critical depression head mein nahi jana chahiye, critical discharge, critical yield mein nahi jana chahiye. अभी ये जो स्पेसिफिक यील्ड है विच इज इक्वल टू डिनोटेड बाय द सी एंड विच इज इक्वल टू के अपॉन ए, एज इट इज नीडेड टू फाइंड आउट द सेफ यील्ड फ्रॉम द वेल, सो देर इज वन टेस्ट विच इज कॉल्ड एज द रिक्यूपरेशन टेस्ट. क्या है हम पढ़ने वाले हैं अभी, तो ये स्पेसिफिक यील्ड जो है ये हम ये रिक्यूपरेशन टेस्ट से पता करते हैं, और सेफ यील्ड जो है of an open well can be determined by the pumping test. Okay, two tests are there. Sometimes a short note is asked on any of the test, or some numerical is also there, sometimes asked on the recuperation test. Recuperation test se hum specific yield pata karte hai, ye jo C value hai, aur C value pata ho gayi to hume safe yield pata chalta hai. Theek hai? और सेफ यील्ड हमें डायरेक्ट निकालना है, लेकिन वो बहुत एक्यूरेट नहीं निकलता है, लेकिन कुछ यहां तक के हमें पता चलता है हाउ मच इज द सेफ यील्ड. एक्यूरेट निकालना है तो रिक्यूपरेशन टेस्ट से निकालेंगे, सी वैल्यू पता करेंगे, ए मालूम है हमें, एच मालूम है, तो वी कैन फाइंड आउट द सेफ यील्ड. बट देर इज अनदर टेस्ट विच इज कॉल्ड एज द पंपिंग टेस्ट विच इज यूज टू फाइंड आउट द सेफ यील्ड. Not to 100% accuracy, but it gives the idea of how much should be the safe yield. We'll move on to the first test, that is the pumping test. As I have told you, this is the test used to find out the safe yield of the well. And again, I will be telling you, this is a very simple test. Both these tests are very simple tests. But sometimes a short note is asked in the exam. So it is an accurate method of determining the safe yield of an open well. अब इसमें क्या करते हैं? In this method, well है, that well has the water table, water level into the well initially. That water level, as there is no pumping, that water level is definitely showing the groundwater table. Okay. Now, what we have started now? We have started to pump out the water from the well. So, water level in the well is now depressed, will be depressed through large withdrawals of water till the working head is reached. है ना, पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास में क्रिटिकल हेड हेड है, क्रिटिकल हेड से हम उसका 2/3 टाइम्स हम वर्किंग हेड एज्यूम करते हैं. तो वर्किंग हेड आने तक के हम वो वेल में से पानी निकालेंगे पंपिंग से, ठीक है, और वर्किंग हेड आने के बाद में हम वो पंप को ऐसा ऑपरेट करेंगे, ऐसा रेगुलेट करेंगे सो दैट द वॉटर लेवल और द हेड इन टू द वेल विल नॉट नाउ लोअर डाउन बिलो द वर्किंग हेड, और इट विल बी केप्ट कॉन्स्टेंट एट वर्किंग हेड. आई विल अगेन रिपीट, देर इज ए वेल, ओपन वेल, इन दैट वेल if the pumping is not started, if the water level withdrawal is not started, the water level is there into the well which is very same as the groundwater table. Now we started
pumping out the water from the well. What will happen due to the pumping? The water level into the well will be depressed. The water level into the well will be depressed, as well as some water will also come inside the well from the groundwater table. But the pumping is continued. And till the water level or the depression head reaches to the working head. Working head is nothing but almost, it is lesser than the critical head. It is almost 2/3 of the critical head. 2/3 or 3/4, लेकिन क्रिटिकल हेड से कम रहता है, तो वो वर्किंग हेड आने तक के हमने उसमें का पानी निकालना चालू किया, चालू रखा, और आफ्टर रीचिंग द वर्किंग हेड वो पंप को हमने रेगुलेट करके उसमें का पानी कम करते हुए अब हमने पंपिंग तो चालू है, लेकिन पंपिंग का रेगुलेट करने के बाद में द वॉटर लेवल इन टू द वेल is maintained constant, is maintained at the working head, है ना? जितना पानी निकाल रहे है, इसका मतलब क्या होता है? पंप से जितना पानी निकाल रहे है, उतना ही पानी अंदर आ रहा है. You are getting me? So, that quantity of water, or this condition is called as the equilibrium condition. When the discharge from the pump is regulated so that the rate of withdrawal equals the rate of inflow into the well. This condition is called as the equilibrium condition. Under this equilibrium condition, ऐसी जब condition आएंगी, जब पानी हम निकाल रहे हैं और पानी अंदर आ रहा है, सरीका है, with maintaining the working head, the volume of the water pumped out into the in unit time gives the safe yield of the well. So the quantity of water per unit time, maybe per second, per minute, per hour, is called as the, or is equal to the safe yield of the well. And it is generally expressed in meter cube per hour. ठीक है, meter cube per second, meter cube per minute. लेकिन meter, क्योंकि वो large well रहती है, तो उसको meter cube per hour में हम express करते हैं. मुझे लगता है सबके ध्यान में आ गया है हाउ टू फाइंड आउट दी सेफ यील्ड. नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकंड टेस्ट विच इज कॉल्ड एज द रिक्यूपरेशन टेस्ट. वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड द पंपिंग टेस्ट. एज आई हैव टोल्ड यू, इट इज यूज टू फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ द सेफ यील्ड. एंड आई हैव बीन टेलिंग यू इन एग्जाम समटाइम्स दे आस्क ए शॉर्ट नोट. Now the second test, this is also very simple. It is called as a recuperation test. The specific yield of the well can be determined by the recuperation test. Your C value hai, C is equal to K by A. That C value is found out with the help of the recuperation test. And from knowing the C value, specific yield, we can find out the safe yield. Q is equal to C into A into H. So this is not as accurate as the pumping test, but is resorted to when it is difficult to regulate the pump to maintain a constant level into the well. Kuwe mein pump operate karna difficult hai, constant level maintain karna hai, difficult hai, to us time mein hum ye recuperation test करते हैं. In this method, the water level into the well is depressed to some level below the normal water table level, and the pumping is stopped. है ना, जैसे यहां आपके right side में sketch दिख रहा होगा, arrow cursor भी दिख रहा होगा कि ये शुरू, ये well है, open well है, ये open well में ये water table दिख रहा है ऊपर में, और वेल में भी वही लेवल है शुरू में पंपिंग चालू करने के पहले. अब हमने पंपिंग चालू कर दिया, वी स्टार्टेड द पंपिंग, नेचुरली द वॉटर फ्रॉम द वेल विल गो बिलो द वॉटर टेबल, एंड देयर विल बी डेफिनेटली डिफरेंस बिटवीन द वॉटर टेबल एंड द लेवल इन द वेल कॉल्ड एज द डिप्रेशन हेड.
एंड वी हैव कंटिन्यूड द पंपिंग टिल द डिप्रेशन हेड रीचेस टू सर्टन वैल्यू H1, है ना, कोई 2 या 3 मीटर तक के ये लेवल आ गई नीचे में शुरू के लेवल से, उसके बाद में पंपिंग बंद कर दिया, ठीक है, और फिर वॉच चालू कर दी, घड़ी चालू कर दिया हमने यहां आने के बाद में, एज द वॉटर लेवल रीचेस टू द डेप्थ ऑफ H1 द वॉटर द पंप इज स्टॉप्ड, बट नाउ द वॉच इज स्टार्टेड एंड नाउ व्हाट विल हैपन नेचुरली, द वॉटर फ्रॉम द वॉटर टेबल विल एंटर इन टू द वेल एंड द वॉटर लेवल इन टू द वेल विल इंक्रीज, ओके, सो लेट अस से वी हैव मेज इट हैज रीच टू द डिप्रेशन हेड ऑफ H2, ओके, इनिशियली वी हैव टेकन टू द डिप्रेशन हेड ऑफ द H1, पंप इज स्टॉप्ड, नेचुरली वॉटर विल इनफ्लो इन टू द वेल एंड द वॉटर टेब वॉटर लेवल इन टू द वेल विल इंक्रीज, लेट एंड वी आर मेजरिंग द टाइम फ्रॉम रीचिंग द H1 टिल इच इट रीचेस टू H2, ठीक है, H1 से H2 तक आने के लिए हमने समय टाइम गिन लिया, वी हैव मेजर्ड द टाइम, दिस डाटा जो है H1 H2 एंड दिस टाइम T इज यूज्ड टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक यील्ड, हाउ दैट वी विल सी इन टू द नेक्स्ट स्लाइड, एज आई हैव टोल्ड यू द वॉटर लेवल टू बी डिप्रेस बाय H1 थ्रू पंपिंग आफ्टर टाइम टी आवर्स लेट द डिप्रेशन हेड एज रीच टू H2 जस्ट फॉर सर्टन इंटीग्रेशन एंड कैलकुलेशन बिटवीन H1 टू H2, लेट अस एज्यूम दैट एट सर्टन डिप्रेशन हेड H, वी हैव मेजर्ड ए टाइम टी टू फील द डिस्टेंस DH, है ना, H आने के बाद में पंप बंद कर दिया, ये छोटा सा DH डिस्टेंस तक के पानी भरने के लिए समय लगा DT, है ना, DH इज ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी, टू रीफिल द वेल थ्रू DH द टाइम रिक्वायर्ड इज DT, वी हैव लेट अस से दैट वी हैव मेजर्ड दैट टाइम, सो H इज द डिफ्रेक्शन वेट एट टाइम टी आफ्टर द पंपिंग स्टॉप एंड DH इज द टेन चेंज इन डिप्रेशन हेड फॉर ए स्मॉल टाइम इंटरवल DT, सो देयरफॉर फॉर दिस स्मॉल पैच DH DT द वॉटर फ्लोन इन टू द वेल इज इक्वल टू क्यू इन टू DT, क्यू इज इक्वल टू के इन टू H, के इज द स्पेसिफिक यील्ड, H इज द डिप्रेशन हेड H, सो क्यू वॉटर फ्लोन इन टू वेल इज इक्वल टू के एच इन टू DT, द वॉल्यूम चेंज इन द वॉटर कंटेंट ऑफ द वेल, वेल का एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है तो ए इंटू DH, है ना, कितना पानी अंदर आया तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, और ये पानी ऊपर में अंदर आ रहा है नीचे नहीं जा रहा है इसलिए इसको माइनस साइन दिया हमने, माइनस ए इंटू DH, वॉटर चेंज इन टू द वॉल्यूम चेंज इन टू द वॉटर कंटेंट ऑफ द वेल इज इक्वल टू माइनस ए इंटू DH, वाई माइनस साइन इज देयर, बिकॉज H डिक्रीजेस एज T इंक्रीजेस, ये H वैल्यू जो है ये कम होते जा रही है जैसे टाइम जो है T जो बढ़ते जाता है, लेकिन हमें मालूम है जो जितना पानी वेल में आया है उतना ही पानी फ्लो होके भी अंदर में आया है, सो वी कैन इक्वेट दिस टू इक्वेशंस, दैट इज के इंटू एच इंटू DT इज इक्वल टू माइनस ए इंटू DH, इंटीग्रेटिंग बोथ द इक्वेशंस बिटवीन द लिमिट्स T इज इक्वल टू 0 टू T इज इक्वल टू कैपिटल T, दैट इज फ्रॉम H1 टू H2, व्हेन H इज इक्वल टू H1 एंड व्हेन H इज इक्वल टू H2, वी कैन राइट डाउन दिस इक्वेशन के अपॉन ए, अब हमने इसको रीअरेंज किया, ये ए ये साइड में लेके गए और ये H इधर लेके गए,
विथ माइनस साइन. सो के अपॉन ए इंटू इंटीग्रेशन जीरो टू टी डी टी इज इक्वल टू एच वन टू एच टू माइनस डी एच बाय एच. फिर इसके जीरो टू टी टाइम के लिमिट रख दिया और ये इंटीग्रेशन का आ गया, डी टी का इंटीग्रेशन टी हो गया, के अपॉन ए वैसा के वैसा है जीरो टू टी माइनस डी एच बाय एच इसका इंटीग्रेशन है नेचुरल लॉगरिदम एच विथ माइनस साइन एच वन टू एच टू. और इसको यदि हमने ये लिमिट्स रिवर्स कर दिया तो प्लस हो जाएगा नेचुरल लॉगरिदम एच एच टू टू एच वन. वी कैन राइट दिस एज द के अपॉन ए इज इक्वल टू वन अपॉन टी, है ना, टी इज इक्वल टू जीरो टू टी रखा तो ये कैपिटल टी आएगा, वो उसको इधर लेके आए तो वन अपॉन टी इंटू लॉग ऑफ एच वन अपॉन एच टू. एंड देयर फॉर द स्पेसिफिक यील्ड सी, सी द स्पेसिफिक यील्ड सी इज इक्वल टू 2.303 टी. टी इज द टाइम टेकन फ्रॉम एच वन टू एच टू. एच वन एंड एच टू वैल्यूज वी नो, सो वी कैन फाइंड आउट द स्पेसिफिक यील्ड. सो दिस रिक्यूपरेशन टेस्ट इज यूज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक यील्ड सी. एंड आफ्टर नोइंग द सी यू कैन फाइंड आउट द डिस्चार्ज क्यू that has come into the well, that is q is equal to c into a into h. c we know, the area we know, cross sectional area jiska 4/3 is the water flowing area, and h is the working head. So we can find out the safe yield with the help of the recuperation test. So the value of the c obtained by substituting the recuperation test can be found out as just we have seen. H1, H2 and capital T are known. So by putting into this equation, the C value, specific yield, can be found out. T is the time taken from H1 to H2. H1 is the earlier depression head. H2 is the later depression head after time T. So by carrying out the recuperation test, we can find out the C, and then the safe yield Q is equal to C, that is the specific yield, multiplied by area of the well and multiplied by the working head. We can find out the safe yield. In absence of the recuperation test, यदि recuperation test हम नहीं करते हैं, हमारे पास में प्रोबेबिलिटी है, हमारे पास में चांसेस नहीं है, तो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज जो है सी की, ये क्ले के लिए 0.25, फाइन सैंड के लिए 0.5 और कोर्स सैंड के लिए 1, ऐसे हमारे पास में एक टेबल है भाई, दिया हुआ है. ओके, सो दिस इज इन शॉर्ट द टू टेस्ट वी हैव लर्नड, दैट इज द पंपिंग टेस्ट यूज्ड टू फाइंड आउट द सेफ फील्ड डायरेक्टली. Second is the recuperation test with certain derivation to find out again the specific yield C, and by knowing the C we can find out the safe yield Q. By the end of this lecture we will see two very simple numericals. What should be the diameter of the open well to give a safe yield of 4.8 liters per second? Safe yield value is given, that is 4.8 liters per second. Working head is also given. Assume the working head has 3.75 meter, and the subsoil constant of fine sand C is 0.5 H raised to minus 1. है ना, C की value अपन ने बोला था, जो specific yield है, that is 0.5 H raised to minus 1. It is also given in that table. You can see earlier यहाँ पे sand के लिए 0.5 की value दिया है. So we know that safe yield Q is equal to C into A into H. Q value is given, which is 4.8 liters per second. इसको हमने meter cube per hour में convert किया. We know that 1000 liters is equal to 1 cubic meter. And 60 seconds, 60 minutes, 3600, that will be converted into the hours.
सेकंड को डिवाइड किया तो, और लीटर को 1000 से किया, तो वो जो पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद में द वैल्यू ऑफ द डिस्चार्ज से फील्ड कम्स 17.28 मीटर क्यूब पर आवर, वर्किंग हेड हमें 3.75 दिया, ये फार्मूला है हमारे पास, क्यू इज इक्वल टू सी एच, सी वैल्यू भी दिया है। अब हमें क्या निकालना है, क्रॉस सेक्शनल ऑफ द वेल, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वेल ए, सो ए इज इक्वल टू क्यू बाय सी एच, क्यू इज 17.28, 0.5 इज द सी वैल्यू गिवन, एच इज 3.75, 9.216 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब डायमीटर हमें मालूम है, एरिया ऑफ द वेल इज इक्वल टू पाई, एरिया इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाय 4, सो फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड आउट एरिया वी नो, सो द डायमीटर ऑफ द वेल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ द 4 इनटू ए बाय 5 पाई, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ द एरिया हियर वी कैन फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ द वेल दैट इज 3.43 मीटर्स। I think everybody has understood. It is very simple. Area we have found out. Area is equal to, if the well is circular, then it is equal to pi d square by 4. We know pi value, only we don't know the d. So d is equal to square root of the area divided by pi. And the area, kyunki 4 hai, pi d square by 4, so 4 numerator mein jayega, 4 into area divided by pi. Uska square root kiya, to hume diameter mila. 3.43 है पहला न्यूमेरिकल, है ना, मैंने बोला एग्जाम में छोटे छोटे आते हैं ऐसे। अगेन बेस्ड ऑन दैट रिक्यूपरेशन टेस्ट, दिस इज द अनदर न्यूमेरिकल, दिस सच टाइप्स आल्सो अपीयर समटाइम्स इन एग्जाम, बट दे आर वेरी सिंपल। सो रिड्यूस लेवल ऑफ द वाटर टेबल, इट इज गिवन इन द डिफरेंट फॉर्म, द वाटर टेबल की रिड्यूस लेवल है 237.8। After the pumping is being stopped, the reduced level has reached to 231.2. And a pumping chalu kiya, aur jab pumping band kiya, to pani ki level 237.8 se 231.2 tak gayi. So 237.8 minus 231.2 kiya, to H1 value mile gayi. Pump band kar diya, abhi phir se kya ho gaya? After the pumping is stopped, the water level in the well in 2.5 hours, so capital T is equal to 2.5 hours, after the pumping is stopped the water level has reached to 234.5, theek hai, the water table 237.8 minus 234.5 will be H2, yani yahan nikala H1 H2, T hame malum hai, the specific yield hum nikal sakte hai, C is equal to 2.303 upon T, log of H1 upon H2, natural log, नहीं अभी ये तो इसको to the base 10 कर दिया है, तो 2.303 आ गया, तो H1 और H2 की value हमने put किया, तो we got the value of C as 0.2523 HRS2-1, the rest is very simple, discharge is equal to CAH, C value we have found out, the cross sectional area pi d square, diameter diya hai 6.5 meters, it is given in the numerical 6.5 meters, so pi d square, and the working head is given as 3 meters, it is given, estimate the if the working head is 3 meters, so discharge is there, discharge equal to 6.98 liter meter, the first is meter cube per hour and then the it is converted to liters per second. So today we will take the break here. Regarding the further discussion on the well hydraulics, by knowing all this, today's discussion, that is the depression head, safe yield, critical depression head, critical yield, the specific yield, the this formula Q is equal to C into A into H, knowing with this knowledge, we will move, that is the working head, critical head, etc., to the last part, that is the well hydraulics, in our next lecture. We will stop here.